एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैं एजुकेशन फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस चैनल पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने जो लास्ट वीडियो है वो डिस्कस किया था कि कौन कौन से काउंसलिंग के क्या प्रोसेस हैं। काउंसलिंग के प्रोसेस को जाना था और उसमें हमने कुछ स्टेप्स लिए थे। उन स्टेप में से ही फर्स्ट स्टेप मैंने पहले जो लास्ट वीडियो मैंने अभी शेयर किया है, इससे पहले सिक्स वीडियो, उसमें शेयर कर चुकी हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड ऑफ काउंसलिंग। और उसी का जो सेकेंड पॉइंट है इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड है प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए। सक्सेसफुल काउंसलिंग रिक्वायर्स अ प्रिपरेशन। अगर एक सक्सेसफुल काउंसलिंग करनी है तो हमें उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस करनी जरूरी होती है, वो रिक्वायर है। फर्स्ट है टू प्रिपेयर फॉर काउंसलिंग द फॉलोइंग नीड टू बी डन। फर्स्ट सेलेक्ट अ सूटेबल प्लेस, पहले एक सूटेबल प्लेस आप सेलेक्ट करिए। स्केड्यूल द टाइम जो है वो उसका स्केड्यूल करिए कि कौन कौन से टाइम पे हम काउंसलिंग सर्विसेज देंगे। तो पहला क्या है, हमें एक सूटेबल प्लेस चाहिए, अच्छी सी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर काउंसलाइंट आकर आपको अपनी पर्सनल इमोशनल या जैसी भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सके। प्लस कौन से टाइम में वो आए आपसे मिलना, तो आप स्केड्यूल करें अपने टाइम को। थर्ड, नोटिफाई द पर्सन और द क्लाइंट वेल इन एडवांस ऑर्गेनाइज। आपको पहले ही क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट है या लोग, तो पहले ही आपको बताना होगा एडवांस में कि आप कब आ सकते हैं, आपको इन्फॉर्म करना होगा। ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, कैसे आप इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनसे जो भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसको कैसे आप रख रहे हैं, रिकॉर्ड्स में रख रहे हैं, डिजिटल रख रहे हैं, या कैसे आप इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे वो देखना देखते हैं। आउटलाइन द काउंसलिंग सेशन कॉम्पोनेंट, सेशंस के काउंसलिंग सेशंस के कंपोनेंट्स को आउटलाइन करना पड़ता है कि हम उस सेशन में क्या क्या चीज़ें उनसे डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग में अगर हम फर्स्ट सेशन ले रहे हैं तो हमें रैपो बिल्डअप करनी है, उसके बाद हम उनकी प्रॉब्लम को जानेंगे उस सेशन में, कंटिन्यू करेंगे या कितने सेशंस के लिए उनका ये कितने सेशंस में होंगे, तो उन सब के लिए हमें आउटलाइन प्रिपेयर कर लेते हैं कि हम नॉर्मल कोई भी जो सेशन क्लाइंट आता है कम से कम हम उसको 3 या 4 सेशंस देते ही हैं और रेयरली होता है जो 2 में हो जाता है। एंड नेक्स्ट है प्लान द काउंसलिंग स्ट्रैटेजी। काउंसलिंग की स्ट्रैटेजी को प्लान करना चाहिए कि आप कैसे कैसे काउंसलिंग करेंगी, क्या क्या और प्लान्स होते हैं होने चाहिए। आप सोचें कि हम स्कूल में, अगर काउंसलर हूँ तो आप स्कूल में कैसे प्लान करेंगी, क्लासरूम में पहले जाएंगी, वहाँ पर काउंसलिंग के बारे में बताएंगी काउंसलिंग क्या होता है, और बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो समझें कि एग्जैक्टली जो काउंसलिंग है वो है क्या, हम क्या डिस्कस कर सकते हैं काउंसलिंग में, किस तरह की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, आप वहाँ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बता सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो आप उनको पहले से इन्फॉर्म करें कि उस जगह पर मैं काउंसलिंग आपको तो सर्विसेज दूंगी, इस टाइम पर आप आ सकते हैं, या व्हेनेवर, मतलब अगर स्कूल में फुल टाइम काउंसलर हैं तो आप ऑलवेज ऑल टाइम वहाँ रहें, तो कब वो आपसे मिलें या कौन सा परफेक्ट टाइम उनके लिए और आपके लिए सूटेबल रहेगा, तो ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करनी होती हैं। स्टैब्लिश टू राइट एटमोसफेयर। राइट एटमोसफेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर एटमोसफेयर बहुत सही होगा, आपको स्टैब्लिश करना पड़ता है कि एक सही एटमोसफेयर स्टूडेंट को मिले या क्लाइंट को मिले। एग्जैक्टली अगर एटमोसफेयर सही नहीं होगा तो आई डोंट थिंक कि आप तक क्लाइंट अपनी उस ओरिजिन जो प्रॉब्लम है उसको बता पाए, बिकॉज फर्स्ट सेशन में कभी ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट आपको अपनी सारी बातें बता दे अपनी, तो पॉसिबल तो हमें ऐसा एटमोसफेयर ज़रूर इस्टेब्लिश करना पड़ता है जिससे क्लाइंट भी कम्फर्टेबल हो, आप भी कम्फर्टेबल हो, और ईजिली आपकी उन दोनों के बीच की बात काउंसलर और क्लाइंट का इंट्रैक्शन ईजिली आगे चलता रहे। फॉर अ काउंसलिंग सेशन टू बी क्लाइंट सेंटर, जो भी काउंसलिंग सेशन है वो क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए। जैसे कि रॉजर्स ने भी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बारे में बताया है कि हम क्लाइंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। द क्लाइंट मस्ट हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट, और इसी के लिए जो क्लाइंट है उसे अपने टाइम को प्रिपेयर करना होता है। द क्लाइंट शुड नो वाई वेयर एंड वेन द काउंसलिंग विल टेक प्लेस। क्लाइंट को ये पता होना चाहिए कि उसको कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कौन सी प्लेस में लेना है, ये सब चीज़ों से पता होनी चाहिए। क्लाइंट को पता होना चाहिए कि उसे क्यों वहाँ जाना है और किस जगह पर उसे काउंसलिंग लेनी है, कब लेनी है, ये सब चीज़ें क्लाइंट को पता होनी चाहिए। काउंसलिंग फॉलो अ स्पेसिफिक इवेंट शुड हैपन एज अ क्लोज टू इवेंट एज पॉसिबल। हाउएवर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ और पर्सनल डेवलपमेंट काउंसलिंग, क्लाइंट में नीडेड अ वीक और मोर टू पेपर प्रिपेयर और रिव्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट सच एज सपोर्ट फॉर्म एज द काउंसलिंग रिकॉर्ड्स। सॉलिड प्रिपरेशन इज एसेंशियल टू इफेक्टिव काउंसलिंग, यानी एक अच्छी प्रिपरेशन, एक सॉलिड प्रिपरेशन जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है काउंसलिंग के लिए। द काउंसलर शुड रिव्यू ऑल
पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन, इनकी जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल पता होनी चाहिए, उनका रिव्यू कर लेना चाहिए। द इंक्लूड्स द पर्पस ऑफ द काउंसलिंग फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन अबाउट द क्लाइंट। जो काउंसलिंग में हम जो पर्पस है जो इंक्लूड करते हैं वो हम देखते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन, उनके फैक्ट्स जो क्लाइंट बता रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम, जो भी पॉसिबल प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करना होता है, मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लान ऑफ एक्शन, फोकस ऑन स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव बिहेवियर दैट द क्लाइंट मस्ट मेंटेन और इम्प्रूव एज वेल एज प्लान ऑफ एक्शन विद क्लियर ऑब्टेनेबल गोल। हमें बिल्कुल फोकस करना पड़ता है उनके स्पेसिफिक बिहेवियर ऑब्जेक्टिव बिहेवियर पर कि कैसे वो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, उनमें इंप्रूवमेंट आ रही है, उस सबका हमें प्लान करना पड़ता है कि अगर हम काउंसलिंग सेशन ले रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस उनमें आ रहे हैं, क्या क्या उनके ऑब्टेनेबल गोल हैं। As for selecting a suitable place, जैसे कि हमने select कर लिंक कर रहे हैं एक suitable place का, तो counseling should be carried out in an environment that might minimize interpretation and free from distracting sight and sound. यानी कि ऐसा suitable place counseling में होना चाहिए, counselor को लेना चाहिए जो को environment को minimize कर सके और जो भी distracting है, जो भी distracting sights है, like वहाँ से आवाज़ आ रही है या noise ज़्यादा आ रहा है या फिर just example कोई बार बार आ रहा है आपके पास cabin में या कुछ भी, तो कुछ ऐसा environment होना चाहिए कि सूटेबल हो और किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप टाइम से इनसे बात कर लें। रिगार्डिंग द स्केड्यूल द टाइम व्हेन पॉसिबल द क्लाइंट शुड बी काउंसल्ड आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द म्यूचुअल कन्वीनियंट टाइम। हम ये भी होना चाहिए कि आप काउंसलर और क्लाइंट दोनों ही अपने अकॉर्डिंग अपना डिसाइड कर लें कि हम किस म्यूचुअल कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग कि आपके लिए कब बेनिफिट हो मेरे लिए, तो उस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू। तो काउंसलिंग की वैसे तो बोलते हैं 40 मिनट का सेशन हम लेते हैं, लेकिन कभी कभी डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू क्या है, जो भी प्रॉब्लम है उसका ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला है या कम है वो डिपेंड करता है उस पर। जनरली अ काउंसलिंग सेशन शुड लास्ट लेस देन एन आवर इफ द क्लाइंट नीड मोर टाइम, अगर उसको जरूरत ज़्यादा पड़ती है तो हम सेकेंड सेशन में उसको शेड्यूल कर देते हैं। ऑल्सो काउंसलर शुड सिलेक्ट अ टाइम फ्री फ्रॉम द कॉम्पिटिशन विद अदर एक्टिविटीज। तो ऐसा उसको कुछ अपना टाइम होना चाहिए क्योंकि किसी कॉम्पिटिशन किसी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो रहा हो, तो कुछ ऐसा प्लान उसे करना चाहिए। वॉट हैज़ बीन प्लान आफ्टर द काउंसलिंग सेशन इंपॉर्टेंट इवेंट कैन डिस्ट्रैक्ट क्लाइंट फ्रॉम द कंसंट्रेटिंग ऑफ द काउंसलिंग। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी आ रहे हैं उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होगा, तो उन सब चीज़ों को उसको ध्यान में रखकर ही काउंसलिंग करनी चाहिए और लेनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आउटलाइन द कॉम्पोनेंट ऑफ द काउंसलिंग सेशन फॉर द यूजिंग द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। द काउंसलर शुड डिटरमाइन व्हाट इज द डिस्कस ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन। ये एक आउटलाइन एक कॉम्पोनेंट काउंसलिंग सेशन में बना लेना चाहिए कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन या क्या क्या हम चीज़ें क्लाइंट से डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, काउंसलिंग सेशन में। ही मस्ट नोट व्हाट प्रमोट द काउंसलिंग, व्हाट द काउंसलर एम टू अचीव एंड व्हाट द रोल ऑफ द काउंसलर। ये सब उसे पता होना चाहिए कि काउंसलिंग क्या है, क्या चीज है और क्या काउंसलर का रोल है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफाई पॉसिबल कमेंट्स और क्वेश्चन टू हेल्प द काउंसलर कीप द काउंसलिंग सेशन क्लाइंट सेंटर्ड एंड हेल्प द क्लाइंट प्रोग्रेस थ्रू इट्स स्टेजेस। ऑल्दो द काउंसलर नेवर नो व्हाट अ क्लाइंट विल से डू ड्यूरिंग काउंसलिंग, एवरीथिंग द आउटलाइन हेल्प्स ऑर्गेनाइज द सेशन, एनहांस द चांस टू पॉजिटिव रिजल्ट। Many approaches to counseling exist, such as a directive, non-directive, combined approach, and two counseling. The counselor should use a strategy that suits the client and situation. The other counseling, जो मैंने आपको types बता चुकी हूँ, directive, non-directive और combined approach होती है। इनमें से कोई एक counseling या कभी-कभी इनमें से कोई एक process वो strategy use करते हैं, जैसे उन्हें depend करता है कि situation क्या है client की। The counselor must establish the right atmosphere which will promote two-way communication. राइट एटमोसफियर होगा तो इजिली दोनों तरह से बात हो पाएंगी, काउंसलर और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेट टू वे रहेगा। सम सिचुएशन में एक इनफॉर्मल एटमोसफियर अप्रोच, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग काउंसलिंग टू करेक्ट सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ अ सबऑर्डिनेट। ये एक एग्जाम्पल है कि अगर सब स्टैंडर्ड और सब ऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि इम्प्लॉई हैं और उनके जूनियर सीनियर उनके मैनेजर वहाँ आकर उनको डायरेक्ट काउंसिल कर रहा है कि क्यों आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है और वो डेस्क पे खड़ा होकर बता रहा है, तो फॉर्मल एटमोसफियर है क्योंकि यहाँ पे ये वहीं पे जो मैनेजर है वो काउंसिल के रूप में आया है और उन्हें समझा रहा है, ये फॉर्मल है और उनको री इन्फोर्स कर रहा है कि अगर आप इसको अचीव कर लेंगे इस टारगेट को तो आपको ये रैंक पोजीशन मिलेगी या वो मिलेगी रैकी के बाद, तो उस तरह की वो अपनी उनको मोटिवेट कर रहा है। बट इन जनरल काउंसलिंग में इतना ऐसा नहीं है कि हम सेशन में आए और उन्हें एडवोकेट कर दिया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। द काउंसलर उसके लिए एक सूटेबल सीट चाहिए, सूटेबल प्लेस चाहिए जहाँ पे वो बैठ सके, उनके ऑब्जर्व करके उनके इमोशंस को, बिहेवियर को, गेस्चर्स को, वर्बल नॉन वर्बल को
और क्लाइंट कैसे उस कंफर्टेबल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स को आ रही है, क्या क्या सॉल्व हुआ उसके सेशन में। तो इसलिए ये इस तरह का सेटअप ज़रूरी है काउंसलिंग देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।